नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ इंग्लिश विद प्रिंस कुमार यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेवेंथ काइंड, कंजंक्शन। ठीक है, देखेंगे कि क्या होता है कंजंक्शन और किस कंजंक्शन को कैसा कहते हैं और वो दूसरे वर्ड से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। क्लास में की गई सभी बातें काल्पनिक है, इससे वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, ये बस आपके समझ और आपके मनोरंजन के लिए है। धन्यवाद। हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन से पहले हम लोग स्टोरी देख लेते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हमने आपको एक स्टोरी बताया था, उस स्टोरी के थोड़े से फ्लैशबैक में चलते हैं। होता क्या है, यहाँ पर जो लड़का रहता है और उसकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, और ये लड़की, ये थोड़ा सा लड़की का बाल है, ये दोनों का एक फ्रेंड रहता है, ये दोनों का एक फ्रेंड रहता है, ये लड़का इसका भी फ्रेंड रहता है और ये लड़का इसका भी फ्रेंड रहता है। जब पहली बार ये लड़का इस लड़की को देखता है तो इसके मन में कुछ अलग सा फीलिंग आता है और ये फीलिंग जाकर इस लड़की को बताता है कि भाई देख ऐसा ऐसा बात है। तो लड़का बोलता है तू टेंशन मत ले, तेरा काम हो जाएगा। और ये लड़का जाकर इस लड़की को बताता है कि देखो ऐसा ऐसा बात है कि ये लड़का तुमको लाइक करता है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है। और इनफैक्ट लड़की को भी इस लड़के में इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये लड़की इसको बोलती है ठीक है आई एम इंटरेस्टेड, और ये लड़का फिर आकर इसको बताता है और ये लड़का इस दोनों के बीच के रिलेशन को सेट कर देता। यानी ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का इस लड़के और इस लड़की के रिलेशन को वो सेट कर रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर इस चीज को समझिए कि ये जो लड़का है ये लड़का ही कंजंक्शन है। ये लड़का क्या है, कंजंक्शन। ठीक है, ये लड़का क्या काम कर रहा है, ये लड़का इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो आप एक कंजंक्शन का कंजंक्शन को देख सकते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स फ्रेज क्लॉज सेंटेंस टुगेदर। यानी कंजंक्शन वो वर्ड है जो किसी दूसरे वर्ड को या फिर किसी दूसरे क्लॉज को या फिर किसी फ्रेज को जोड़ने में काम करता है। उस कंजंक्शन का बस काम क्या है, जोड़ने का काम। जैसे इस लड़के का काम क्या था, इसको जोड़ने का काम। अब ये लोग कैसे रहे, आपस में ठीक से रहे, झगड़ा कर क्या करे, उसको इससे मतलब नहीं है। इसको बस इतना मतलब है कि हमने बस इस दोनों को जोड़ दिया। तो कंजंक्शन का काम भी बस यही है कि ये क्या करता है, ये बस दो वर्ड को जोड़ता है और उसके बारे में कुछ नहीं बताया, ये सिर्फ जोड़ने का काम करेगा। आप यहां पर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स देखेंगे जो आप रिलेटिव प्रोनाउन में देख चुके हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव में देख चुके हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स में देख चुके हैं, जिसमें भी रिलेटिव्स रिलेटिव करके कोई काइंड आया हो उसमें देख चुके हैं। तो उनका काम क्या था, वो जोड़ने के साथ साथ उसके बारे में बताते थे। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात किए, अगर आप प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से उसके लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात किए थे तो वो दो प्रोनाउन को जोड़ रहा था और जोड़ने के साथ उसके बारे में भी बता रहा था कि वो क्यों जुड़ रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो कंजंक्शन ये सिर्फ जोड़ता है और इसका कोई काम नहीं है। जैसे इस लड़के का काम था बस इन दोनों की रिलेशन को जोड़ देना, इन दोनों को जोड़ देना, और बाकी क्या करे ये लोग उससे इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स फ्रेज क्लॉज और सेंटेंस टूगेदर। आप एग्जाम्पल से देखिए, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। तो एंड यहां पे आपका कंजंक्शन है जो राम और श्याम को एक साथ जोड़ रहा है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यहां पर एंड हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी जगना चाहिए। तो जल्दी सोना और जल्दी जगना को कौन जोड़ रहा है, ये एंड जोड़ रहा है। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, इफ यहां पे ये क्या है, ये आपका एक कंजंक्शन है जो इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ जोड़ रहा है। रीता इज सिंपल बट गीता इज क्लेवर, बट ये दोनों को
जोड़ रहा है, बस इस दोनों को जोड़ने के बारे में बात कर रहा है। इस बट का इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। रीता अपने जगह पर सिंपल है, गीता अपने जगह पर क्लेवर है, लेकिन ये क्या किया, एक सेंटेंस को ही जोड़ दिया। ठीक है, हमें तुम्हारा पास करना वो अलग जगह है, तुम्हारा वर्क हार्ड करना वो अलग जगह है, लेकिन इफ क्या किया, बस इन दोनों को जोड़ दिया। मेरा जल्दी बेड पर जाना या फिर मेरा जल्दी सोना या फिर मेरा जल्दी जगना, ये दोनों अलग चीज है, लेकिन जब हम यहां पर एंड का यूज किया तो ये दोनों वर्ड आपस में जुट गया। वैसे कंजंक्शन का बहुत ज्यादा काइंड नहीं होता, दो ही काइंड होता है, वो भी उसके यूज पर। ठीक है, तो काइंड ऑफ कंजंक्शन देखते हैं तो दो तरह का होता है, कोऑर्डिनेटिंग एंड सब ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेटिंग एंड सब ऑर्डिनेटिंग। हमारे बेसिकली हमारे क्लास में ये सब कहानी तो चलते रहता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो किसी जात धर्म को मानते हैं कि यार वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, तो अब समझिए, यहाँ पे ये लड़का देखा कि ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, तो ये क्या क्या इन दोनों के रिलेशन को जोड़ने के लिए राजी हो गया। एक अनदर केस, ये था केस वन। ठीक है, केस वन खत्म। ये लड़का, ध्यान से सुनिएगा, ये लड़का देखा कि ये लड़की भी हिंदू है, ये लड़की भी हिंदू है, दोनों का टाइटल सेम है, दोनों का कास्ट सेम है, तो ये क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। इस चीज का ये लड़का ध्यान रखता था। अब हम केस टू के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं ये लड़का हिंदू रहा और ये लड़की मुस्लिम, और ये कोई दूसरा लड़का है एक्स वाई जेड। ठीक है, ये जात पात तो ये मानता नहीं, बस ये सेट करवा दिया। ठीक है, होता होगा ऐसा कुछ कमीशन, तो ये बस सेट करवा दिया। ठीक है, तो बस जो हम पहले वाले केस वन के बारे में बात कर रहे थे, ये जो लड़का था ये सेम लोगों को जोड़ता था, सेम कास्ट के लोगों को जोड़ता था, ये था कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये क्या था, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखिए इस चीज से आप डेफिनेशन को देखिए, कोऑर्डिनेट द कंजंक्शन विच जॉइंस टू आइटम ऑफ इक्वल रैंक, एक ही रैंक का। जैसे एग्जांपल से समझिए, राम एंड श्याम, राम भी नाउन है, श्याम भी नाउन है, दोनों नाउन को जोड़ रहा है कौन, एंड, तो एंड क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। गिव मी अ पेन और पेंसिल, पेन और पेंसिल, ये क्या है, दोनों नाउन है, पेन और पेंसिल, तो और क्या कर रहा है, इस दोनों नाउन को जोड़ रहा है। यहां पे पेन की जगह कॉपी, पेन की जगह पेन है, और यहां पेंसिल की जगह और कुछ हम नहीं ले रहे, बस ये दोनों नाउन है, ये दोनों नाउन है। पुअर बट ऑनेस्ट, आप कमेंट में बताइए पुअर ऑनेस्ट किसमें आता है। ठीक है, तो ये पुअर और ऑनेस्ट को बस बट क्या कर रहा है, जोड़ रहा है राम के बारे में, राम इज पुअर, राम गरीब है लेकिन वह ईमानदार है, तो पुअर और ऑनेस्ट ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, और बट क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन केस वन, ये था केस वन। अब आते हैं केस टू में, ये लड़का का नाम एक्स वाई जेड, तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसको हम कहेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। द कंजंक्शन विच जॉइंस अ सब ऑर्डिनेट क्लॉज टू अ प्रिंसिपल क्लॉज, ये क्या कर रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज या और सब ऑर्डिनेट क्लॉज को आपस में जोड़ रहा है। आप जब नरेशन पढ़ोगे तो इस चीज का बहुत ज्यादा यूज है। He said that he was absent. तो यहां पे डेट हो गया सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ये क्या कर रहा है, सब ऑर्डिनेट को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ रहा है। इसमें ये नाउन है, ये नाउन है, उससे कोई मतलब नहीं है, ये प्रोनाउन उससे कोई मतलब नहीं है, ये एडजेक्टिव, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जोड़ने का काम कर रहा है किसी सब ऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से। यू विल पास इफ यू विल वर्क हार्ड, तुम पास हो जाओगे जब तुम मेहनत करोगे, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।